हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और हम लोग शूटिंग करके वापस आ गए थे। अभी ये सीन है कि आज 20 फरवरी है और आज से एक इवेंट शुरू हो रहा है जो कि 5 दिन का इवेंट है। अभी हमने एक जगह चलना भी है उस इवेंट के हवाले से। अच्छा यार, एक बात करना चाह रहा था मैं कि ये जो लोग 24 घंटे का व्लॉग बना रहे हैं कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं नहा रहा हूँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, अभी मैं उठ गया हूँ, अभी मैं फिर खाना खा रहा हूँ, तो यार इसको बंद करो। व्लॉग बनाओ कि जिसपे कुछ कुछ हो, कुछ कंपाइलेशन हो, कुछ करो, कुछ सोचो, फिर उसके बाद व्लॉग बनाओ। ऐसे मुंह उठाते हो और व्लॉगिंग शुरू कर देते हो। चलो चलते हैं, अभी हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। हर साल बहार हमारे लिए ये रैली लेके आती है और ये हम रंग से जाते हैं। ये जो रैली है, भालपुर की पहचान बनती चली जा रही है, ना सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी। ये बहार कौन लेकर आता है? आपने सुना हमारे दरमियान मौजूद हैं MD, TD, CP। इसके अलावा और इन एडिशन टू हर ऑर्गेनाइजेशन, जिला इंतजामिया, डिविजनल कमिश्नर्स ऑफिस, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, 1122, सिविल डिफेंस, ये लोग दिन रात एक करते हैं। बड़ी आपने स्टॉक व्हीकल्स देखी, प्रिपेयर व्हीकल्स देखी, बग्गी देखेंगे आप, डर्ट बाइक्स देखेंगे आप, सो मच सो कि आप ट्रक भी दौड़ते देखेंगे इस दफा से। प्राइज मनी हमने इस दफा पाकिस्तान में जितनी रेसें हो रही हैं उससे बढ़ के प्राइज मनी रखी है। और नेक्स्ट ईयर से आपको पता है इवोल्यूशन, इर्तका एक अमल का नाम है, बेहतरी आती जाएगी। अगले साल से इंशाल्लाह हम लोगों ने फैसला किया है कि ये अमाउंट डॉलर्स में अनाउंस की जाएगी। फिर हमने इस साल डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की, जिसका मतलब ये था कि पहले आपको मैनुअल इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती थी, लेकिन अब आप पूरी दुनिया में अपनी सहूलत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ना सिर्फ पाकिस्तान से, सऊदीया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से शुरका इस रैली में शरीक होने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, 500 किलोमीटर प्लस चले गए हैं हम,
तो इन तमाम चीज़ों को जब कलेक्टिवली देखा जाता है तो हम अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने प्यारे शहर के बारे में कह सकते हैं कि हमारी रैली जो है पाकिस्तान की साउथ एशिया की सबसे बड़ी रैली बन चुकी है। यहाँ पे भालपुर की हमने खसूसियत का जिक्र किया और मैं एंकर पर्सन से सुन रहा था कि उनको बहुत हैरत होती है जब वो इस शहर में आते हैं। ऐसा ही आलम होता है, बाहर जाइए, जिन लोगों ने भालपुर देख नहीं रखा होता उनसे पूछिए भालपुर का लफ्ज़ सुन के आपके नाम में क्या, आपके जहन में क्या आता है। तो वो कहते हैं गर्द, गर्मी, सहरा। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं और ये रंग रूप देखते हैं जो भालपुर उन्हें दिखाता है तो उसके गर्विदा होके रह जाते हैं। हम तो इसको बाकायदा तौर पे भावलपुर को एक हैरत कदा कहते हैं, भावलपुर अ वंडरलैंड। भावलपुर जैसा है इसको बनाने में जिनका किरदार है, भावलपुर तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान में सैकड़ों शहर हैं, भावलपुर ही ऐसा क्यों है? इतना खूबसूरत, इतना वसी, इतना प्लान, इतनी तारीखी अमारात से मुजयन, इतने अदारों से सजा हुआ। तो जनाब हमारा दिल नवाब साहब और उनकी फैमिली की तरफ मतवजे हो जाता है, नवाब सादिकुल खामिस और उनके बुजुर्ग सारे। आज जब ये मैं बात आपके साथ कर रहा हूं तो जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, भावल क्लब, ये भी 1915 में उन्हीं का अता करदा था। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने खास तौर पे, जाती तौर पे बात की और मैंने, आपने सुन तो लिया प्रिंस उस्मान कहा गया, लेकिन शायद इस वर्ड की कॉनोटेशन अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो ज़्यादा समझ आए। ये पढ़ पोते हैं नवाब साहब के, हमारे दरमियान ग्रेट ग्रैंड सन्स मौजूद हैं उस शख्स के जो कि ना सिर्फ मोहसिन भावलपुर था बल्कि जिसे कायदे आज़म ने, किसी और ने नहीं, कायदे आज़म ने मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रिंस उस्मान को देखा। मैं चाहूँगा उमर, प्रिंस उमर अब्बासी भी मौजूद हैं, वो ग्रेट ग्रैंड सन, अगर आप उमर, हमने उस्मान को देख लिया, तलाल भी ग्रेट ग्रैंड सन के तो मौजूद हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भरपुर को ऐसा बनाया कि आज हम फख्र से सर उठा के कहते हैं हमारे शहर जैसा और कोई शहर नहीं है। देखिए आप जरा ऊपर देखिएगा, कुछ हम करने वाले हैं। ये चीज मेरे अजीज, जंजीरें तोड़ दो तुम सोच हो, कुछ बातें कर ले हम आज की।
जुनून।